नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज ये आप देख रहे हैं मौसम बहुत अच्छा है और हवाएं इतनी अच्छी अच्छी चल रही हैं। और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो देखा मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में लगता है बारिश भी आ जाएगी। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है और अभी भी ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ से बादल इतने काले काले बादल छाए हुए हैं और अभी भी बारिश की बूंदें तो मुझ पर तो पड़ रही हैं। और तो मैंने सोचा आपको एक गार्डन का व्यू बताती चलूं, फिर नीचे जाके मुझे थोड़ा सा अपने किचन का काम भी थोड़ा सा फिनिश करना। और बारिश भी हो रही है लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। और आज कम से कम पौधों को बारिश का पानी मिल जाएगा और तेज़ धूप से भी आज मेरे पौधों को राहत मिल जाएगी। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये देखिए हवाएं इतनी अच्छी अच्छी चल रही है, मेरा नीचे जाने को भी मन नहीं है। और मन्नत और मन्नत के पापा नीचे ही आवाज़ें लगा रहे हैं और आपको शायद बारिश के बूंदों की आवाज़ें भी आ रही होंगी फ्रेंड्स। तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नीचे, थोड़ा सा किचन का काम करती हूँ, वो भी बताती हूँ कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कितनी बिजी रहती है और थोड़ा सा ही टाइम मिलता है मुझे अपने गार्डन में वर्क करने का। लेकिन आज तो बारिश है और बारिश का भी मौसम अच्छा लगता है कभी कभी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं नीचे अपने रूम में आ चुकी हूँ और मन्नत और मन्नत के पापा मॉर्निंग वॉक से आ चुके हुए हैं। और उसके बाद हमारा यही एक रूटीन रहता है कि हम इकट्ठे बैठ के माँ वैष्णो देवी जी की आरती जो है वो सुनते हैं और सच जानिए बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जाके मैं अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करती हूँ। फिर आज से मन्नत की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है और उसके चलते मैंने इनको फ्रेश होने के लिए भेज दिया। और अब जल्दी जल्दी से मैं रूम जो है वो अपना बेडशीट वगैरह जो है वो बिछा देती हूँ और मन्नत की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर मुझे आफ्टरनून तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा ताकि मैं इस रूम की डस्टिंग कर सकूँ या बेडशीट वगैरह कुछ भी अरेंज वगैरह कर सकूँ। तो इसलिए मुझे ये जल्दी जल्दी से करना होगा। फिर उसके बाद जब मन्नत की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती फिर या तो वो एंटर ही नहीं होने देता क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, डिस्टरबेंस होती है। सो इसलिए उसके चलते फिर सारा मुझे नीट एंड क्लीन सारा करके फिर मुझे उसको ये रूम जो है वो फ्री करके दे देना होता है। और इसके चलते अब ये देखिए मैं सारी डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी और जो भी बर्तन वगैरह रात के थे वो मैंने सारे हटा दिए। और बस इसी तरह की रूटीन रहती है हम हाउसवाइफ की। बेसिकली हाउसवाइफ की लाइफ जो होती है वो काफ़ी बिजी होती है, अर्ली मॉर्निंग उठना और ढेर सारा काम करना। इस वीडियो में तो आपको शायद लगेगा कि 5 से 10 मिनट में हमने सारा आपको ये सारी चीज़ें कवर करके बता दी, लेकिन यकीन मानिए आप इस रूटीन को करते, मॉर्निंग रूटीन को करते करते हमारा आफ्टरनून का टाइम तक हो जाता है। तो बस अब मेरा मोस्टली रूम क्लीनिंग का काम हो चुका हुआ है और मेड वगैरह जो है वो मैंने इस कोरोना काल में चलते मैंने मेड वगैरह जो थी वो कुछ टाइम के लिए मैंने हटा दी थी ताकि हम खुद ही अपना काम करें। क्योंकि मेड वगैरह जो थी वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट घरों से होके आ रही थी और कई बार वो मास्क लगा रहे थे, कई बार नहीं लगा रहे थे। सो मैं अपना जो काम है वो मैं खुद ही कर रही थी, क्लीनिंग से लेके झाड़ू पोछा जो भी है वो मैं खुद ही कर रही हूँ। आगे आगे जैसे ही अब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा फिर मैं मेड वगैरह का अरेंज कर दूंगी। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मन्नत का स्टडी टेबल है तो मैं उसकी भी ये सारा चीज़ें यहाँ से हटा के और बुक्स वगैरह उसकी हटा के तो सारा मैं इसकी यहाँ की डस्टिंग कर दूंगी। और जो जो ज़रूरी उसकी बुक्स वगैरह जो चाहिए होंगी वो मैं उसकी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही रख दूंगी। और यहाँ से सारा फिर मुझे ये सारा डस्टिंग वगैरह करके तो मैं इसका जो ये सारा प्रिपेयर कर लूँगी इसका स्टडी टेबल ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्लासेस के दौरान फिर जब ये कई बार चिल्लाने लगता है कि हाँ मेरी ये बुक नहीं मिल रही, मेरी ये बुक नहीं मिल रही, तो फिर अकॉर्डिंग टू पीरियड मैं इसकी सारी जो बुक्स है वो पहले ही इसकी सबसे इसके सामने रख देती हूँ ताकि ये इरीटेट ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आने पर मैंने ये भिंडी रखी है बनाने के लिए। आज डिमांड आई है कि मुझे आज मन्नत को भरवा भिंडी खानी है,
वैसे हमारी पंजाबी फैमिली में मोस्टली हमारा जो ब्रेकफास्ट रहता है वो परांठों के साथ रहता है, या कभी आलू का परांठा दही के साथ, कभी सूखी सब्जी चपाती के साथ। जिस तरह से आज मैंने ये भिंडी निकाली है और सॉफ्ट वाली भिंडी निकाली है, उसके साथ आप देख रहे हैं, एक मैंने बाउल में नमक मिर्च और अमचूर ले लिया हुआ है, और इस अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी, और मैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए बस इसी तरह से भिंडी को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेती हूँ, और जब वो भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो जाती है या फिर थोड़ा सा ढक के मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ, और सॉफ्ट करने के बाद ही मैं सारा इसमें जितना भी जो मसाला जो मैंने रखा हुआ है वो इसी तरह से मिला के मैं अपनी जो भिंडी है वो तैयार कर लेती हूँ। और इस तरह की खट्टी खट्टी जो भिंडी है वो ब्रेकफास्ट में बड़ी ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद अब मैं फिर दोबारा से अपने इस टेरेस पर आ चुकी हूँ। बेसिकली मौसम काफ़ी अच्छा था, मॉर्निंग में काफ़ी बारिश वगैरह भी हो रही थी, आज क्लीनिंग वगैरह तो की नहीं मैंने, और बड़ा अच्छा, हवा भी बड़ी अच्छी सी चल रही थी। मैंने सोचा नहीं दोबारा से एक चक्कर लगा लेती हूँ, और इस टाइम वैसे भी मैं एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ, और कभी नेट बांधने के लिए अगर तो बड़ी धूप हो तो नेट बांध देती हूँ, और आज तो वैसे भी मौसम अच्छा है, तो बस ये कुछ कुछ पत्ते, ड्राई पत्ते और कुछ भी कूड़ा करकट जो हवा से या पत्तों का गिरा हुआ हो या कुछ भी, कोई कई बार होता है हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है, कोई पॉट गिर गया होता है, तो मैं बस उसी तरह से थोड़ा सा देख लेती हूँ। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब फ्रेश हो चुकी हूँ, और आप यकीन मानिए फ्रेश होने के बाद यही एक टाइम मिलता है कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, और बाद में पता चला कि मन्नत की ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो कैंसिल हो चुकी हुई हैं, तो अब फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं तुलसी जी को जल देने जाऊँगी। और ये मेरे रूम के साथ ही मेरी छोटी सी एक बालकनी है, मैंने आप सब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तुलसी जी को जल दे देती हूँ, फिर जल देने के बाद मैं फिर दोबारा से अपने लिए चाय बनाने चली जाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तुलसी जी का एक पौधा रखा हुआ है, तो मॉर्निंग में मेरी यही रूटीन रहती है सारे कामों से फ्री होने के बाद। फिर गर्मियों के दिन है ऐसे तो सुबह भी फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी पसीना वसीना आया होता है, तो फिर एक बार फिर से दोबारा से फ्रेश होने के बाद मैं तुलसी जी को जल दे देती हूँ। तो रही, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी चाय रहती है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी वेट जो है वो गेन कर लिया, उसके चलते एक्सरसाइजेस का टाइम नहीं रहता, सो मैं सिर्फ एक कप चाय लेती हूँ मॉर्निंग में। और फ्रेंड्स, आप यकीन माने एज ए हाउस वाइफ हम सुबह से उठे हुए होते हैं और अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक हम काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी ब्रेक, और मेरे लिए रिलैक्सिंग टाइम वही होता है, चाहे मॉर्निंग की टी हो चाहे वो इवनिंग की टी हो, वो मैं बड़े रिलैक्स होके बड़े माइंड फ्रेश मुझे करना होता है, तो ये टी मेरे लिए बड़ी स्पेशल टी होती है। और फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा, और होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और इस मॉर्निंग रूटीन को शेयर करने में मेरा शायद पूरा आधा दिन बीत गया, तो आशा करती हूँ आपको ये मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।